प्रदीप झा ने जो संगठन निर्माण समिति का संदर्भ था, प्रयास था, नतीजा था, आपके सामने रख दिया। आपके हाथ में तीन चीजें आ गई हैं, स्वराज इंडिया क्या और क्यों, स्वराज इंडिया का स्थापना प्रस्ताव और स्वराज इंडिया का संविधान। जैसा अजीत जी ने कहा, इनको आपकी निगाह में धीरे धीरे करके हमने पिछले 1.5 साल में पेश किया है, बहुत गंभीरता से काम हुआ है और ये शब्दावली बहुत सहज है, इसमें दिल और दिमाग दोनों ने मिलकर काम किया है। आप इसको पढ़ेंगे, किसी को भी पढ़ने लायक दस्तावेज बन गए हैं। अब मैं उस गौरवशाली क्षण की तरफ इस सम्मेलन के लिए चलता हूं। मेरा बहुत सौभाग्य है कि जिनको हम लोग दूर दूर से हीरो की तरह देखते थे, स्वराज अभियान बनने के बाद से वो हम सबके गार्जियन बन गए हैं, हमें बताते रहे हैं, बुलाते रहे हैं और हमने जब बुलाया उन्होंने हमको समय दिया। ऐसे आदरणीय शांति भूषण जी अपना आशीर्वाद वचन इस सम्मेलन की शुरुआत के रूप में देंगे। हमारा प्रशांत जी का, अजीत भाई का तो बयान स्वागत वक्तव्य जैसा था, इनॉग्रल स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फाइटर्स एंड अचीवर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी श्री शांति भूषण जी। से बहुत ऐतिहासिक दिवस है। पहला तो ये कि महात्मा गांधी का जन्म आज के दिन 2 अक्टूबर को हुआ। दूसरा वो कि आज आप सब मिलके एक राजनीतिक दल का को जन्म दे रहे हैं, जिस तरह से गांधी जी ने सारे देश में और विदेशों में ख्याति प्राप्त की, उसी तरह से मैं आशा करता हूं कि आप जिस राजनीतिक दल को आप आज जन्म दे रहे हैं वो भी सारे देश में भी नहीं सारे विश्व में उसी प्रकार की ख्याति प्राप्त करे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, शायद सुन के आप में से कईयों को ताज्जुब भी हो कि मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, न लोकसभा का न किसी विधानसभा का। एक दफा राज्यसभा का निर्विरोध चुनाव मुझे लड़ना पड़ा क्योंकि मोरारजी देसाई ने मुझको कानून मंत्री बना दिया था और कानून मंत्री तो बिना चुनाव के बनाया जा सकता था, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा में या राज्यसभा में पहुंचना आवश्यक होता था। तो उस 6 महीने की अवधि में एक और सिर्फ एक निर्विरोध चुनाव राज्यसभा के लिए मैंने लड़ा। आप में से बहुत सोचते होंगे कि क्या पॉलिटिशियन है कि जिसने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा, क्योंकि लोग सोचते हैं पॉलिटिशियन का मतलब है कि जो चुनाव लड़ता, और आज लोगों के लिए दिलों में इतना ज्यादा गुस्सा राजनीतिज्ञों के लिए है क्योंकि उनको लगता है
ये हर वक्त अपने फायदे की बात सोचते हैं, जनता के फायदे की बात नहीं सोचते, और ये सिर्फ अपने फायदे के लिए राजनीति करते हैं। आज राजनीति के लिए, इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए आपका इस नए दल का गठन हो रहा है। आज के बाद लोग कहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं, देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो राजनीति करते हैं लोगों की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। मेरा बिना चुनाव लड़े राजनीति से संबंध तो जंग के पहले ही से शुरू हो गया था। 91 वर्ष की अवस्था में आज मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जन्म से पहले मेरे पिताजी जेल गए थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए 1921 में, लेकिन मेरी माता जी मेरे पैदा होने के कुछ वर्ष बाद तब जेल गई थी एक साल के लिए 1931 में। तो वो लोग जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कभी उन्होंने कोई इच्छा नहीं प्रकट की कि उनको चुनाव लड़ना, कभी नहीं प्रकट की। और देश में उनका सम्मान बहुत होता था, इसलिए होता था कि ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, देश के प्रति प्रेम और देश के लिए जो उन्होंने किया उसकी वजह से उनको प्रतिष्ठा मिलती थी। कोई व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चीज क्या कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो, यह सबसे बड़ी चीज है। प्रतिष्ठा सिर्फ चुनाव लड़के एमएलए एमपी बनने से नहीं होती, चुनाव प्रतिष्ठा होती है जब आप समाज के लिए कोई बड़ा काम करते हैं या काम करने की कम से कम कोशिश करते हैं, उससे देश की प्रतिष्ठा होती है। अच्छे महंगे कपड़े पहनने से प्रतिष्ठा नहीं होती, फटे कपड़े पहन के भी जो समाज की सेवा करता है उसकी प्रतिष्ठा होती है। और समाज में प्रतिष्ठा से बड़ा और कोई इनाम है? आज इस मंच पे खड़ा होकर मैं दृष्टिपात कर रहा हूं, एक ऐतिहासिक दृष्टिपात। मैंने कितने राजनीतिक दलों का उदय और पतन दोनों देखे। गांधी जी ने कांग्रेस को बल प्रदान किया और कांग्रेस ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए। कांग्रेस ने देश को स्वाधीनता दिलाई, स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस के ही लीडरशिप में चला और बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद गांधी जी तो चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का दल को समाप्त कर दिया जाए और नए दल बने जिससे लोकतंत्र मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस के लीडर जो थे उन्हें ऐसा लगा कि इससे हमारा नुकसान होगा और उन्होंने गांधी जी की इस बात को नहीं माना और उसी दल को जिसने स्वतंत्रता संग्राम किया था एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ेगी बनने दिया। लेकिन उसके होते हुए भी, क्योंकि उस जमाने में कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़कर हिस्सा लिया था, तो उसने जनता के हित के काम किए। जमींदारी का खात्मा उसी कांग्रेस ने किया, उस सरकार ने किया, लेकिन उससे कितना बड़ा देश के किसानों को फायदा हुआ ये आज बहुत सारे लोग तो भूल चुके हैं कि जमींदारी अबोलिशन का कानून बनाने से
जो स्वतंत्रता के संविधान इतना सुंदर बनाया कांग्रेस ने कि आज भी है हम उसका फायदा लेते हैं। जब अन्ना आंदोलन हुआ तो लोगों ने मुझसे कहा कि इसको सरकार खत्म कर देगी, इसका दमन करके खत्म कर देगी। मैंने कहा ये संविधान जो बना हुआ इसकी वजह से इस आंदोलन को सरकार समाप्त नहीं कर सकती। एक कोशिश यह हुई थी इंदिरा गांधी के जमाने में उस संविधान में संशोधन करके और उसमें अदालत से यह फैसला लेके कि जब एमरजेंसी लागू की जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 19 के अधिकार, बोलने का अधिकार, अपनी बात को रखने का अधिकार, मीटिंग करने का अधिकार सब समाप्त हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एमरजेंसी के दौरान उन्होंने ये फैसला भी दे दिया और यही कारण था मुझको कानून मंत्री बनाने का कि जिससे संविधान में जो कमियां उस वक्त आ गई थी उनको ठीक किया जाए। और 44वां संशोधन जो कानून मंत्री की हैसियत से मैंने दोनों लोकसभा में, ये बावजूद इसके कि राज्यसभा में जनता पार्टी के पास 2/3 बहुमत जिसकी आवश्यकता थी वो नहीं था, बल्कि उसके तो बहुत कम शक्ति थी राज्यसभा में, लेकिन फिर भी लोकसभा और राज्यसभा से यूनानिमसली 44वें संशोधन को पास कराया और जिसमें स्पष्ट लिख दिया गया कैसी भी एमरजेंसी हो आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंड। स्वतंत्रता से स्वतंत्रता का अधिकार और बोलने का अधिकार, मीटिंग करने का अधिकार, हाँ शस्त्र के साथ नहीं, बिल्कुल बिना शस्त्र के आप कितनी भी बड़ी मीटिंग करें उस पर रोक टोक नहीं लगा जा सकती, 144 लगा के भी नहीं लगाई जा सकती अगर आप बिल्कुल अहिंसक डिसिप्लिन तरीके से कितनी भी बड़ी मीटिंग क्यों ना करें। इसलिए अन्ना आंदोलन के समय मैंने ही कह दिया था सरकार को कितना ही गुस्सा आए इस अन्ना आंदोलन के ऊपर, लेकिन इसको रोक नहीं सकते हो क्योंकि 44वें संशोधन से ये स्पष्ट किया जा चुका है एमरजेंसी लगा के भी इन अधिकारों को वो नहीं छीन सकते। ये अधिकार जो संविधान लेती है ये आपकी शक्ति है, इस शक्ति के साथ लेकिन आपको ये समझना होगा आप नई तरीके की राजनीति करने जा रहे हैं। ये घिसी पिटी राजनीति जिसमें आंदोलन होता है तो बस में आग लगा दी जाती है, रेल की पटरी तोड़ दी जाती है, सरकारी संपत्ति को नष्ट किया जाता है, ये हमारी राजनीति नहीं होगी। हमारी राजनीति होगी अपनी आवाज को बुलंद करना, अपनी आवाज को जोर से कहना, जनता को बताना, जनता को साथ में लेना, लेकिन बिल्कुल पीसफुल तरीके से, कोई तोड़फोड़ कोई नहीं करनी है हमें। इसी में बल है, एक वाणी में बल तभी होता है जब उसके पीछे एक शक्ति वाणी की होती है, तोड़फोड़ की नहीं होती है। आज कांग्रेस में फिर जब भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया और जिसकी वजह से एमरजेंसी लगानी पड़ी इंदिरा गांधी को, तब एक नई पार्टी का गठन हुआ, जनता पार्टी का गठन, जो वक्त का तकाजा था और जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जिस पार्टी का गठन हुआ था और उस पार्टी ने पहला चुनाव जो लड़ा, मैंने भी उस समय सारे भारत में कैंपेन किया था,
मुझसे मुरारजी चौधरी चरण सिंह दोनों ने कहा कि आप भी चुनाव लड़िए। मैंने कहा मुझको किस लिए चुनाव लड़ना है, मुझको तो सारे देश में कैंपेनिंग करनी है, उससे दल को ज़्यादा फायदा होगा बनिस्बत ये कि मैं एक लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ूँ। मुरारजी को बात समझ में आ गई, चरण सिंह को बहुत तो अच्छी नहीं लगी लेकिन फिर भी उनको भी समझ में आ गई। और उस चुनाव में जैसा वो चुनाव 77 का हुआ ऐसा चुनाव सारे विश्व में कभी नहीं, जिसमें पूरे उत्तर भारत में जहाँ 350 लोकसभा सदस्य चुने जाने थे, जो रूलिंग पार्टी जो पावर में थी, जिसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन 350 सीट में एक सीट जीत पाई, 349 सीट वो हार गए, इंदिरा गांधी स्वयं हार गई, उनके सुपुत्र संजय गांधी हार गए, उत्तर प्रदेश और सारे बड़े बड़े राज्यों में एक एक सीट हार गए। ऐसा कभी विश्व में कोई चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन क्यों? जनता की ताकत उसके पीछे थी, वो जनता की ताकत को पहचानना कि जनता की जब ताकत हो एक सही बात के पीछे तो उसको कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जनता पार्टी जो एक समय के तकाजे से बनी थी वो बनी, लेकिन आपसी कलह और आपसी एम्बिशन की वजह से टूट भी गई। खैर लेकिन टूट गई हो लेकिन वो अपना काम तो कर गई, जो अपना काम था वो कर गई। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा काम 44वां संशोधन था, जिससे आपके अधिकार को पक्का मजबूत कर दिया कि कभी आपसे ये अधिकार छीना नहीं जा सकता। उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी भी बनी। ये समझा जाता था कि शायद भ्रष्ट कांग्रेस का ये विकल्प बन के कुछ कर सकते हैं। शुरू में भारतीय जनता पार्टी सब को साथ लेकर, हिंदू और मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहती थी, जिसका सबूत यह है कि उन्होंने ही अपना पहला गठन का अधिवेशन किया, उसका इनॉग्रेशन उन्होंने जस्टिस चावला जो एक मुसलमान थे उससे कराया। कुछ दिनों तक उन्होंने उस पद्धति पर काम किया, लेकिन फिर आरएस के जो लीडर्स थे भारतीय जनता पार्टी में, उनको ऐसा लगा कि हम शायद पक्का चुनाव कभी नहीं जीत पाएंगे, इसलिए हमें फिर से हिंदुत्व की तरफ दौड़ना चाहिए। और भाजपा मेरे हिसाब से उसी दिन उसका पतन हो गया। जो दल देश में, ये भारत वर्ष ऐसा देश है जिसमें हर धर्म के मानने वाले हैं, जब तक उनको सबको साथ लेके आगे नहीं बढ़ाता है कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। स्वराज अभियान का सबसे अहम काम हर जगह अमन समितियां बनाना है, जो कोई सब धर्मों को मानने वालों को उनमें वैमनस्य पैदा करके प्रो एक्टिवली उनको दोस्ती और मित्रता में बदले, ये सबसे बड़ा काम है, सबसे अहम काम है कि सारी समाज को जोड़ना तोड़ना नहीं। सबसे बड़ी कमजोरी भारतीय जनता पार्टी की है, उसने अपना काम समाज को तोड़ने की तरफ लगाया, जोड़ने की तरफ नहीं लगाया। हमें बड़ी उम्मीद थी 4 साल पहले जब हमने आम आदमी पार्टी का गठन कर पाया अन्ना आंदोलन के बाद, बड़ी उम्मीद थी ये वैकल्पिक राजनीति करे, लेकिन विशेष तौर पर मैंने
अरविंद को पहचानने में बहुत बड़ी भूल मैं उस समय समझ आया था, ऐसा लगा कि ये उन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित है जिससे हम सब प्रेरित थे, लेकिन उसने तो ये सोचा कि बस मुझे तो मुख्यमंत्री बनना है और वो उसी तरफ दौड़ता। ऐसे ऐसे लोगों को 3-3 करोड़ लोग लेके टिकट बांटे गए, जो बीएसपी से बीजेपी से कांग्रेस से थोड़े दिन पहले आए थे आम आदमी पार्टी, और जब उनसे ये कहा गया कोई ठीक नहीं है, उन्होंने कहा भाई ऐसे ही लोग जिता सकते, ये क्या राजनीति हुई? ऐसी राजनीति करनी थी तो कांग्रेस तो थी, बीजेपी तो थी, बीएसपी तो थी, समाजवादी पार्टी तो थी, इतनी सारी पार्टी थी, फिर आपकी आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता तो आपकी इसलिए थी कि वैकल्पिक राजनीति कोई नहीं कर रहा था, और वैकल्पिक राजनीति करने से जिससे आगे की राजनीति दूषित न रह के जिसको लोग दूषित न माने, और राजनीति के लिए फिर स्वतंत्रता संग्राम की तरह पॉलिटिशियंस के लिए दिल में लोगों की इज्जत फिर से बढ़े, इस तरह की राजनीति करनी है। और आज मुझे और फिर पतन हो गया, आम आदमी पार्टी का भी पतन हो गया, कुछ नहीं किया, जिसको कहा पता था कि भाई ये सोनिया गांधी की सिर्फ लीडरशिप पार्टी, सिंगल पर्सन लीडरशिप पार्टी ही बनेगी, उसको बिल्कुल सिंगल पर्सन पार्टी अरविंद ने बना कर रख दिया। आज तो सारे लोग मानते हैं कि पार्टी सिर्फ अरविंद है और अरविंद के अलावा पार्टी कुछ नहीं। तो ये किस तरह का हाई कमांड कल्चर इन्होंने बनाया, लेकिन आज उसका पतन हो चुका है, शुरू हो गया है, निश्चित है। आप मुझसे लिखा के ले लीजिए, कोई चुनाव नहीं। वो कहते हैं, कुछ कहते थे कुछ दिन पहले पंजाब में शायद जीत जाए, और पंजाब में क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री को कोई पावर है नहीं, हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला दे दिया, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को सब पावर है, आपको सिर्फ उनको मदद करने की पावर है। अच्छी बात आप उनको कहेंगे, अच्छे सुझाव देंगे तो उसको मानेंगे, उनको मानना होगा, लेकिन आप तो उल्टे सीधे बातें करते हैं, सिर्फ अपना प्रचार करते हैं। जिधर देखिए अरविंद की फोटो छपती है, और ये लोग पंजाब के लोग भी समझ गए कि ये मुख्यमंत्री पद के किसी दावेदार को इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये खुद मुख्यमंत्री पंजाब के बनना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री को पूरे अधिकार होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो है नहीं। पंजाबी अब समझ गए, और इसलिए आप मुझसे दिखा ले लीजिए कि आम आदमी पार्टी का न पंजाब में कोई चांस है, और दिल्ली में आपको पता लग जाएगा जब कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे कि आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से हार होगी। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो दल है, ये उस जो कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे उसमें नया करिश्मा करके दिखाए, क्योंकि कई ये जितने भी प्रोग्राम हुए शराब की दुकानों के खिलाफ जगह जगह जाके शराब अभियान ने जो काम किया और लोगों को किया आवाज बुलंद की, जिससे कई जगह की शराब की दुकान है जो ऐसी जगह थी जहाँ नहीं बननी चाहिए थी। पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था हम कोई दुकान नहीं बनने देंगे जब तक वहाँ के लोगों की राय नहीं ले रहे, और फिर उन्होंने रुपए के लालच में जगह जगह 50 दुकानें खुलवा दी, और उसको बंद कराने में जो स्वराज अभियान ने काम किया है उसको यहाँ की दिल्ली की जनता नहीं भूलेगी, और खास तौर पर दिल्ली की महिला नहीं भूलेंगी। और ये आज अगले साल
जब कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे तब आप देखेंगे उसका नतीजा। तो एक आम आदमी पार्टी जिसको हम लोगों ने बड़ी मेहनत बड़ी उम्मीदों से बनाया था उसका भी पतन हो गया। लेकिन आज जो आप गठन कर रहे हैं और इस ऐतिहासिक दिन के दिन जिस पार्टी का गठन कर रहे हैं और जिस पार्टी में योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण आनंद कुमार जैसे लोग होंगे तो उनमें कैसे लोग को संशय होगा कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। अभी कल मैंने मेल टुडे एक अखबार है उसमें योगेंद्र जी का ट्वीट छपा जो शाहबुद्दीन कि जब जमानत कैंसिल की सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्होंने ट्वीट किया जो मेल टुडे में छपा जिसका कोई नहीं उसका प्रसाद भूषण। मैं चाहता हूं कल से लोग ट्वीट करें जिसका कोई नहीं उसका स्वराज पार्टी। ऐसा विश्वास के साथ कि जो महात्मा गांधी जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था उन्होंने जो देश में और विदेश में सारे संसार में किया आज जिस दल का गठन आप कर रहे हैं वो भी वैकल्पिक राजनीति के क्षेत्र में ऐसा सुंदर कार्य करेगी कि सारे देश और विदेश में उसकी ख्याति हो। बहुत बहुत धन्यवाद।